पत्नी पर लिखने लगे तो कोई नेता बुरा नहीं मानता है, और सर बीजेपी के नेता तो खास करके बुरा नहीं मानते हैं क्योंकि उनके पत्नियां ही नहीं होती है ना। अद्भुत। अगर अगर आप देखिए 20 पत्नियां होती हैं तो 100 नेता होते हैं, एवरेज कितना खराब आता है। एक बार बुलाया गया तो उसमें 2 ही लोग बैठे थे, उनको हमने खैर धन्यवाद दिया कि चलो 2 लोग तो सुनने वाले हैं, हमने उनको धन्यवाद दिया। उनमें से एक कहने लगा जल्दी सुनाओ मैं लाइट वाला हूँ या टेंट वाला है। तो 2 तरह के नेता होते हैं सर, एक नेता होते हैं एक जननायक होते हैं। क्या बात है। नेता वो होते हैं जो कवि सम्मेलन के बीच में चले जाते हैं, और जननायक वो होते हैं जो अंत तक बैठे रहते हैं, अंत के कवि तक बैठे रहते हैं, सुनते हैं। बहुत अच्छे दादा। तो मैं इस समय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हालांकि ऐसी कोई मजबूरी नहीं है लेकिन मजबूरी है क्योंकि लोग देखने वाले हैं और 24 में चुनाव है। तो इसलिए देखिए हम तो नेताओं से इतना तारुक रखते हैं कि हमको पता होता कि कब उनसे कुछ काम कहो, कब उनको फांसो, कब काम करा लो। अच्छा ये ट्रिक जब आ जाएगी तो आप असली पब्लिक हो जाएंगे क्योंकि नेता तो असली होते हैं। अच्छा सर मैंने नेताओं पर बहुत लिखा, खूब लिखा, आप सब लोग जानते हैं, और खूब सुनाया, पर देखा कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सुनते सुनते आदि हो गए, सुनाते सुनाते आदि हो गए। तो मैंने नेताओं पर लिखना सिंह साहब बंद कर दिया, अब मैं नेताओं की पत्नी पर लिखता हूँ। कमाल है, अद्भुत। पहले हम नेताओं पर लिखते थे तो कुछ नेता सर बुरा मान जाते थे, सबके अलग अलग स्वभाव हैं, सब कोई आपकी तरह थोड़ी होता है। तो कुछ नेता बुरा मान जाते थे। अच्छा जब पत्नी पर लिखने लगे तो कोई नेता बुरा नहीं मानता है, और सर बीजेपी के नेता तो खास करके बुरा नहीं मानते हैं क्योंकि उनके पत्नियां ही नहीं होती है ना। नहीं जो कह रहा हूँ सर, अगर सहमत हो तो आप मुस्कुराते रहिए, बहुत कम होती हैं। अगर अगर आप देखिए 20 पत्नियां होती हैं तो 100 नेता होते हैं, एवरेज कितना खराब आता है। एक बार तालियां। सर एक नेता पर 5 पत्नी का एवरेज आता है, इससे ज्यादा एवरेज तो मेरा स्कूटर देती है 40, है ना। तो इसलिए उनकी पत्नी पर लिखने लगा हूँ। प्रशांत सिंह अटल जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैंने आखिरी बार यूनिवर्सिटी में उनको फांसा था, कवि सम्मेलन करवाया था, आज फिर से मिल गए हैं, उनको छोड़ूंगा नहीं। तो मैं पत्नियों पर लिखने लगा, तो एक मैं पत्नी पर ही एक कविता सुनाता हूँ, और डॉक्टर साहब चिंता मत कीजिए 8:30 बजे हम धराशायी हो जाएंगे आपके बगल में। हाँ, 4-5 अच्छे लोग ताली बजा दो, हम छोटी सी छड़िका से बात प्रारंभ करते हैं कि नेताजी को खल गई जब उनकी पत्नी घर छोड़कर निकल गई। जब उनकी पत्नी घर छोड़कर निकल गई नेताजी बोले, कहाँ जा रही हो, मेरी पॉलिटिकल इमेज पर कहे ढा रही हो, मेरे पॉलिटिकल इमेज पर कहे ढा रही हो। पत्नी बोली, माफ कीजिए, दिल पर हाथ रखकर इंसाफ कीजिए, मैंने आपका साथ 20 साल तक निभाया है, मैंने आपका साथ 20 साल तक निभाया है, आज पहली बार पति बदलने का विचार आया है। भाई कुछ तो असर आएगा ना। आज पहली बार पति बदलने का विचार आया है, उस पर भी आप टोक रहे हैं, मुझे जाने से रोक रहे हैं। अरे मैंने आपको कभी रोका है? आज तक इतने दल बदले हैं, कभी टोका है? आज तक इतने दल बदले हैं, कभी टोका है? और तर्क सुनिएगा,
कि जब आपको पत्नी बोली, जब आपको एक साल में 20 पार्टियां बदलने की लत है तो 20 साल में एक पति बदलने का निर्णय कौन सा गलत है? तो साहब यह होता है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन सर चूंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, जो सबसे कम पढ़ा लिखा होगा वहाँ पर वो भी कम से कम एमए तो होगा ही, और एलएलबी एलएलएम तो प्रशांत सिंह जी बैठे हैं। तब एक छिड़का सुनाता हूँ कि शाश्वत प्रश्न है नेताओं के लिए कि वो चुनाव जीत जाते हैं और गायब हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं। सिर्फ एक बीजेपी पार्टी है जिसके नेता दिखते हैं। जब मैंने जी बैठे होते हैं मैं कहता जरूर हूँ, क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि हमेशा निकलने के लिए एक जो है दरवाजा बंद हो तो एक खिड़की खोले रखना चाहिए। तो हमने फिर इस अनुत्तरित प्रश्न का जो है समाधान निकाला, उत्तर निकाला कि वो गायब होकर के जाते कहाँ है। चार पांच लोग तालियां बजा दो। हमने एक नेता जी से पूछा महोदय, हम एक बात समझ नहीं पाते हैं कि आप चुनाव जीतने के बाद 5 साल के लिए जनता से कट क्यों जाते हैं? नेताजी बोले, कमाल है, कितना आसान सवाल है कि जब कोई व्यक्ति जनता से कटकर जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का, डेमोक्रेसी की यही परिभाषा, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। सर आज भी यही परिभाषा है, लेकिन इसमें प्रीपोजिशंस की स्पेलिंग बदल गई है। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल में ऑफ की स्पेलिंग बदल करके ओएफ से ओडब्ल्यूएफ हो गई। और डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल, फॉर द पीपुल में फॉर की स्पेलिंग बदल गई, FOR से FAR हो गई। और डेमोक्रेसी बाय द पीपुल में बाय की स्पेलिंग बदल गई, BY से BUY हो गई। तो स्पेलिंग आज भी ये परिभाषाएं वही हैं, लेकिन लोग बदलते गए, समय बदलता गया। जब कोई व्यक्ति जनता से कटकर जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का तथा कथित भक्त हो जाता है तो वो दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर और चरित्र 5 भागों में विभक्त हो जाता है। तो वो दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर और चरित्र 5 भागों में विभक्त हो जाता है। दिल कुर्सी में लटकता है, दिल कुर्सी में लटकता है, दिमाग कुर्सी को बचाने में भटकता है, आत्मा तिजोरी में बस जाती है। ये बंगलौर के लिए कविता है, कर्नाटका के लिए। आत्मा तिजोरी में बस जाती है और ये काया, और ये काया राजनीति रूपी मेनका में किसी विश्वामित्र की तरह फंस जाती है, और ये काया राजनीति रूपी मेनका में किसी विश्वामित्र की तरह फंस जाती है। 5वां तत्व तो चरित्र है, इसकी तो लीला ही विचित्र है। 5वां तत्व तो चरित्र है, इसकी तो लीला ही विचित्र है। अंधेरा कायम रखने के लिए किसी सूरज की तरह अस्त हो जाता है, और मौका देखते ही किसी आत्मघाती दस्ते की तरह हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाता है। और हम नेता लोग इन्हीं 5 तत्वों में तल्लीन रहते हैं, जनता से इसीलिए नहीं मिल पाते क्योंकि जिंदा रहते हुए भी अपने इन्हीं 5 तत्वों में विलीन। और